क्लिप नंबर 309 इस क्लिप में आप सूरह अनाम की आयत नंबर 109 से 111 तक की तिलावत तर्जमा और तफसीर कुरान से रातुल जनान समात फरमाएंगे बिस्मिल्ला तर्जमा अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहमत वाला है وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ, لئن جاءتهم آية لَيُؤْمِنُونَ بِهَا तर्जमा और उन्होंने बड़ी ताक़द से अल्लाह की कसम खाई की अगर उनके पास कोई निशानी आई तो ज़रूर उस पर ईमान लाएंगे तुम फरमा दो निशानियाँ तो अल्लाह के पास हैं और तुम्हें क्या खबर कि जब वो निशानियाँ आएंगी तो भी ये ईमान नहीं लाएंगे और उन्होंने बड़ी ताकीद से अल्लाह की कसम खाई अलैहि वसल्लम की अर्ज की आपतम हज़रत मूसा और हजरत ईसा रलीम सलातम के मौजाद बयान फरमाते हैं अगर हमको हमारी मुंह मांगी निशानियां दिखा दें तो हम आप पर ईमान ले आएंगे नबी करीम सलाम ने फरमाया तुम क्या चाहते हो उन्होंने कहा सफा पहाड़ सोने का हो जाए या हमारे बाज मुर्दे जी कर आप की गवाही दे दें या फिरिश्ते हमारे सामने आ जाए ने फरमाया अगर इनमें से कुछ दिखा दूं तो ईमान ले आओगे तो कस्मे खाकर बोले कि जरूर आप आलरा ने इरादा फरमाया कि दुआ करें हजरत जबरी ने आकर अर्ज किया कि महबूब आप जो दुआ करेंगे कबूल होगी लेकिन अगर ये लोग ईमान ना लाए तो अभी हलाक कर दिए जाएंगे और अगर जिंदा रहे तो शायद इनमें कोई ईमान ले आए तब तबूर अकबसअलीसलाम ने दुआ का इरादा छोड़ दिया इस पर ये आयत करीमा नाजिर हुई ترجمة और हम उनके दिलों और उनकी आंखों को फेर देंगे जैसा कि ये पहली बार उस पर ईमान न लाए थे और उन्हें इनकी सरकशी में भटकते हुए छोड़ देंगे वह नुकल लेबू और हम फेर देंगे इरशाद फरमाया कि जिस तरह पहले इन लोगों के सामने नबी करीम सरात स्लाम के दस्ते अखदस पर अल्लाहबल की निशानियाँ जर हुई थी जैसे चांद का दो टुकड़े हो जाना और इसी तरह के दीगर अजीम लेकिन ये उन पर ईमान नहीं लाए थे इसी तरह ये अब भी ईमान नहीं लाएंगे और इनके ईमान लाने के सब वादे झूठे हैं وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءُ ۗ और अगर हम उनकी तरफ फरिश्ते उतार देते और मुर्दे उनसे बातें करते और हम हर चीज उनके सामने जमा कर देते जब भी वो ईमान लाने वाले न थे मगर ये की खुदा चाहता लेकिन उनमें अक्सर लोग जाहिल हैं और अगर हम उनकी तरफ फरिश्ते उतार देते पिछली आयत में इजमाली तौर पर बयान हुआ था कि निशानियाँ तलब करने वाले कुफार के मुतालबात पूरे कर दिए जाए तो भी वो ईमान ना लाएंगे और इस आयत मुबारक में इस इजमाल की तफसी बयान हुई है शान नजूर कुफार मक्कात सल वसल्लम से मजाक के तौर पर कहा करते कि अगर आप सच्चे हैं तो हमारे मुर्दों को जिंदा कर दीजिए ताकि हम उनसे पूछें कि मोहम्मद वसल्लम जो फरमाते हैं वो हक है या नहीं और आप हमें फरिश्ते दिखाइए जो हमारे सामने आपके रसूल होने की गवाही दें या अल्लाह और फरिश्तों को हमारे सामने लाइए उनके जवाब में ये आयत करीमा नाजिल हुई और फरमाया गया कि अहबूब अगर हम कुफार के मुतालबे के मुताबिक उनकी तरफ फरिश्ते उतार दें जिन्हें वो उनकी असली शक्ल में देख लें और वो उनसे आपकी रिसालत की गवाही सुन लें यू ही अगर हम उनके मतलूबा या आम मुर्दे जिंदा करके उनके सामने खड़े कर दें ताकि ये उनसे मालूम कर लें कि आप जो पैगाम लाए हैं वो हक है या नहीं तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे बल्कि अगर हम इनके मतालबात से जायद मखलूक में से हर खुश को तर शजर वजर नबातात हैवान उनके सामने जमा कर दें तब भी ये लोग ईमान नहीं लाएंगे और ना आपकी तस्दीक करेंगे और ना ही आपकी पैरवी करेंगे अलबत् जिनकी किस्मत में ईमान लिखा होगा और अल्लाह ताला की मर्जी जिनके ईमान के मुतालिक होगी वो ईमान लाएंगे